अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे मछली की डोर में कांटा बांधने का आसान तरीका। तो फिर आइए देखिए, हमने कांटे को पकड़ा, डोर को एक बल दिया। बल देने के बाद डोर का वो सिरा जो कि छोटा सिरा जो बाहरी तरफ निकल रहा है, उसके ऊपर से उसी बल को थोड़ा सा बड़ा करके एक अंगूठे से दबाकर दूसरे हाथ से उसी बल को, मतलब उस दायरे को, उस कांटे की नोक से नीचे की तरफ से घुमाना है। मतलब घुमाने से मुराद 3 से 4 या 5 बल आपने अगर उसी दूसरे सिरे के ऊपर इस तरीके से डोर के ऊपर डोर ना, ये इस तरीके से आपने 5वां बल और ये 6ठा बल आ गया और ये 7वां। ये खास ख्याल रखना कि डोर के ऊपर डोर ना चढ़े और ये 8वां बल। उसके बाद ये आ गया 9वां बल। जितने बल ज़्यादा होंगे उतनी डोर के अंदर मजबूती कांटे के साथ ज़्यादा हो जाएगी। और ये देखिएगा उल्टे ऊपर वाला हिस्सा जो हमने इसको ऊपरी तरफ खींचा और नीचे का जो छोटा हिस्सा था उसको नीचे की तरफ खींचा, लेकिन अभी टाइट नहीं हुई है। खींचने के बाद माफ कीजिएगा, अभी हमने खींचा, देखें इसके अंदर लूजिंग है। तो इसको एकदम टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लेना प्लास। ये देखें इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो छोटा हिस्सा है, इसको हमने प्लास से पकड़ना इस तरीके से। दूसरी तरफ से डोर पकड़ के दोनों तरफ से हमने खींच के इसको टाइट कर देना है और ये इसकी पकड़ बन गई कांटे के अंदर मजबूत। अब मछली इसे तोड़ नहीं पाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं अब दूसरा हिस्सा, इसी कांटे को बांधने का दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरे तरीके से बांधने का आसान तरीका। कांटे के होल वाले कांटे जो होते हैं 12 गाय किल्लू है, 66 एमएम का, हमने इसके होल के अंदर टूल डाले, थोड़ा सा ऐसे इसका बाहर निकाल के दोनों तरफ से डोरों को हमने पकड़ के अब कांटे को घुमाना है, ताकि कांटे के पास हमने 5